फिरोजाबाद के थाना खैरगढ़ क्षेत्र में शराब पीने के बाद चाचा भतीजे की मौत हो गई। घटना को लेकर क्षेत्र में हड़कंप मचा हुआ है। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। मामला है फिरोजाबाद जिले के थाना खैरगढ़ के गांव शेखुरपुर का, जहां चाचा भतीजे की शराब पाइन से मौत हो गई। बताया जाता है कि गांव के ही एक शराब के ठेके से दोनों ने शराब खरीदी थी, जिसके बाद दोनों की तबीयत बिगड़ने लगी और कुछ देर बाद दोनों की मौत हो गई। मृतक के परिजनों का आरोप है कि शराब जहरीली होने के कारण मौत हुई है। सर जी, गांव में बिक रही है दारू, और ये कहां से ला रहे हैं, कैसे बेच रहे हैं, किस तरीके से बेच रहे हैं? 30-35 रुपए में पौआ मिल जाता है गांव में, और जो कच्ची जो दारू है या पकी जो दारू है, जो 30-35 रुपए का पौआ मिल रहा है, उन्होंने शाम को 4 लोगों ने पी है। 2 मेरे परिवार के हैं, ये मेरी मौसी का लड़का है, बड़ा भाई। तो ये शाम को इन्होंने कहाँ दारू पी है ये मुझे नहीं पता है, और एक परिवार में ही उन्होंने भी दारू पी। दोनों की कंडीशन सेम एक जैसी है, चेहरा से लेकर के बॉडी की पूरी कंडीशन। एक बियोली का एनी का बंदा है, वो भी एक्सपायर हो गया है। मौके पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। हालांकि पुलिस इस मामले में अभी कुछ नहीं बोली है, लेकिन शराब पीने के बाद दोनों ने जहरीले पदार्थ का सेवन करने की बात कह रही है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। दोनों वो ये मेरे भाई हैं बड़े, वो भी भाई हैं, इन्होंने दोनों ने साथ साथ दारू पी है, शाम को मौत हो गई। थाना खैरगढ़ के शेखपुरा गांव में एक सूचना मिली कि 2 व्यक्ति की डेथ हो गई है। इस सूचना पे पुलिस ने जब छानबीन किया तो पता लगा कि एक नबीचंद और दूसरे संजू यादव हैं। इनकी उम्र 35-40 साल की होगी। रात में दोनों बैठ के एक साथ शराब पिए थे। इनके परिजनों का कहना था कि इनको हार्ट अटैक से इनकी डेथ हुई है। फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है, अन्य बातों की जांच की जा रही है। फिरोजाबाद से रिपोर्टर रिहान अली की रिपोर्ट, NBC News, नागपुर।